घर से निकलते ही वाली एक्ट्रेस मयूरी कांगो की कहानी सुनकर आपके रग रग में पॉजिटिविटी दौड़ेगी, वादा है। 12th क्लास में ही उन्हें बाबरी मस्जिद पर बेस्ट मूवी नसीब में ब्रेक मिला। फिल्म फ्लॉप रही मगर उनके काम को पसंद किया गया। इसी से इम्प्रेस होकर महेश भट्ट ने उन्हें पापा कहते हैं फिल्म में काम दिया। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए मगर फिल्म नहीं चली। उसके बाद बेताबी, होगी प्यार की जीत और बादल जैसी कुछ फिल्मों में वो दिखाई दी, पर उनके साइन की गई 16 फिल्में बंद हो गई। एक तरह से वो फेलियर एक्ट्रेस बनकर रह गई। फिर उन्होंने टीवी का रुख किया जहां उन्होंने डॉलर बहू, करिश्मा जैसे सीरियल्स किए और रंगोली शो को भी होस्ट किया। बहुत सोच विचार कर उन्होंने बॉलीवुड को बाय बाय कर दिया और NRI से शादी करके USA में शिफ्ट हो गई। वहाँ उन्होंने MBA की पढ़ाई पूरी की और मार्केटिंग का कोर्स किया। फिर उन्हें मिली पहली नौकरी। वो मेहनत से अपना काम करती रही और उनकी तरक्की होती रही। बॉलीवुड में उन्हें एक फ्लॉप और लॉस्ट एक्ट्रेस कहा जाता रहा, मगर वो चर्चे में तब आ गई जब 2019 में वो गूगल इंडिया की हेड बनी। लाइक और शेयर।